हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आ गई हूँ नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ आज की न्यूज़। तो आप में से जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो एंड गाइस वीडियो को लाइक कर दो। आपको तो पता ही है मैं वीडियो को लाइक करने के लिए कभी कभी ही कहती हूँ, तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो गाइस नितेश के बर्थडे के बाद कुणाल का बर्थडे भी आ गया है। बहुत सारे लोग इंस्टा पर मुझसे पूछ रहे थे कि कुणाल के बर्थडे पर क्या सुरभि जाएंगी। 18 जुलाई को नितेश तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आउट ऑफ टाउन चले गए थे, बट कुणाल यहीं पर है। तो इस बार भी सभी फैंस का क्वेश्चन यही है कि क्या सुरभि जाएंगी और क्या सुरभि और मोहक आमने सामने आ पाएंगे। तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे गाइस, कुणाल की सुरभि कुणाल के बर्थडे पार्टी में जाने वाली है या नहीं। तो गाइस वीडियो पूरी देखना क्योंकि वीडियो में आगे आप लोगों के कल की वीडियो के कमेंट्स भी हैं। तो गाइस आज कुणाल का 22nd बर्थडे है। आप में से कई सारे लोग कुणाल के बारे में जानते होंगे, पर जो नहीं जानते उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। थोड़ी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुणाल के बारे में। कुणाल का होम टाउन बिजनौर उत्तर प्रदेश है। कुणाल एक सिंगल चाइल्ड है, यानी कि कुणाल अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान है, उनके और कोई भाई बहन नहीं है। कुणाल की मम्मी का नाम अनिता तोमर है। कुणाल ने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन बिजनौर से ही की है। 12th कंप्लीट होने के बाद कुणाल कोचिंग करने के लिए दिल्ली आ गए थे। कुणाल ने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली से ही किया है। अब बात कर लेते हैं इनके कुछ फेवरेट्स की। कुणाल का फेवरेट कलर ब्लैक है। कुणाल के फेवरेट सिंगर अरिजीत सिंह एंड जुबिन नौटियाल है। कुणाल को खाने में घर का खाना ही पसंद है। शाही पनीर और लबालब पनीर कुणाल के फेवरेट है। कुणाल को फास्ट फूड इतना ज्यादा पसंद नहीं है, वो फास्ट फूड कम ही खाते हैं। कुणाल का बिगेस्ट फियर डॉग है, बिकॉज एक बार डॉग ने उनको काट लिया था, बट कुणाल को खुशी की लूसी केट बहुत पसंद है। कुणाल को उनके दोस्त मोहक और नितेश एक लेजी पर्सन बताते हैं। कुणाल को अपनी चीजें शेयर करना कम पसंद है। कुणाल की हाइट 5'7" है। आई कलर डार्क ब्राउन है। हेयर कलर ब्लैक है। कुणाल की गर्लफ्रेंड खुशी कार्की है। कुणाल एंड खुशी लॉकडाउन 2020 में ऑनलाइन लूडो खेलते हुए मिले थे। कुणाल एंड खुशी के फैंस उनको साथ में खुशनाल बोलते हैं एंड कुणाल एंड खुशी के साथ वाली वीडियोस एंड प्रैंक वीडियोस को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। टिकटॉक बैन होने तक कुणाल के टिकटॉक पर 7 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स थे। ये कुणाल का इंस्टाग्राम अकाउंट है। कुणाल के इंस्टाग्राम पर जल्दी ही 8 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं। कुणाल का यूट्यूब चैनल कुणाल तोमर के नाम से है, जहाँ पर उनके 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। स्क्रीन पर आप कुणाल की स्नैपचैट आईडी देख सकते हैं, जहां उनके 1.5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। एंड आप लोग कुणाल को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आइए गाइस अब देख लेते हैं कि रात को 12 बजे कुणाल के फ्रेंड्स ने उनको कैसे विश किया। गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही सुरभि ने कुणाल को बर्थडे विश किया। सुरभि ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालते हुए कुणाल को विश किया एंड लिखा, हैप्पी बर्थडे कुणाल तोमर, एंजॉय योर डे। अब देखते हैं रात को 12 बजे मोहक नितेश एंड खुशी ने कुणाल को कैसे बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये कुछ स्टोरीज है जो कि इन्होंने शेयर की है, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। नितेश ने कुणाल को बर्थडे विश करते हुए स्टोरी शेयर की है, लिखा, आई फील सो लकी टू हैव यू एज माई सन, होप योर बर्थडे इज एज स्पेशल एज यू आर, मे ऑल ऑफ योर ड्रीम्स कम ट्रू, कुणाल तोमर, हैप्पी बर्थडे माई सन। मोहक ने कुणाल को बर्थडे विश करते हुए लिखा, कुणाल तोमर भाई तुम जियो हजारों साल। खुशी ने लास्ट ईयर की तरह ही इस बार भी कुणाल के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था एंड अब इस खुशी ने कुणाल को बर्थडे विश करते हुए लिखा, हैप्पी बर्थडे माय मोस्ट फेवरेट पर्सन कुणाल तोमर। खुशी के इस सरप्राइज बर्थडे प्लान की पूरी वीडियो आपको खुशी के यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही जल्दी आ जाएगा। गाइस खुशी ने तो अपना सरप्राइज कुणाल को दे दिया एंड पार्टी भी कर ली। तो क्या लगता है आपको गाइस, शाम को पार्टी होगी और पार्टी होगी तो क्या उसमें सुरभि आएंगी? सुरभि ने वैसे विश तो किया है कुणाल को, अब देखना आगे ये होगा कि सुरभि जाती है या जाती है। आई होप एंड आई विश कि सुरभि बर्थडे पार्टी में जाए। तो आइए गाइस देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट। दिगंबर कांबले ने कमेंट किया है, आप अच्छी हो, थैंक यू सोहक की जानकारी देने के लिए, वेलकम दिगंबर कांबले एंड थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। मदन सिंह ने कमेंट किया, वी वॉन्ट सोहक अगेन। शफीउद्दीन ने कमेंट किया, ओ एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, मेरे दिमाग अगर मान भी ले कि उनका ब्रेकअप हुआ है, पर मेरा दिल कभी नहीं मानेगा कि उनका ब्रेकअप हुआ है। आशा दी ने कमेंट किया है, थैंक यू दी, आप बहुत प्यारी हो, क्यूट क्यूटेस्ट हो, वॉइस क्वेश्चन हो, आई लव यू दी, लव यू टू आशा, थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। अनम ने कमेंट किया, थैंक यू दी अपडेट देने के लिए, सोहक का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और इंशाल्लाह वो जल्दी मिलेंगे, इंशाल्लाह अनम जल्दी ही मिलेंगे। मोहम्मद नसीम ने कमेंट किया, थैंक यू दीदी रोज अपडेट देने के लिए, वेलकम एंड थैंक यू सो मच मोहम्मद नसीम कमेंट करने के लिए। मुन्नी रजा ने कमेंट किया, हमें खुशी उस दिन होगी जिस दिन हम सोहक को साथ में हंसते हुए देखेंगे। ऑफिशियल आशु ने कमेंट किया, वी वांट सोहक बैक, प्लीज कम बैक सोहक। संजना ने कमेंट किया, प्लीज 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 कम बैक, हम सब दोनों का वेट कर रहे हैं, कम बैक सोहक प्लीज प्लीज प्लीज, थैंक यू सो मच संजना कमेंट करने के लिए। पूनम पांडे ने कमेंट किया, आपकी आवाज बहुत ही प्यारी है दी, आप बहुत अच्छी बोलती हो, थैंक यू सो मच इतना अच्छा कमेंट करने के लिए।
रिमझिम कुमारी ने कमेंट किया है, थैंक्स दी मेरा नाम लेने के लिए, लव यू, आई विश कि सब जल्दी मिल जाए, आई होप जल्दी ही मिलेंगे रिमझिम, एंड थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। विवेक सारस्वत ने कमेंट किया, सोहब की सही अपडेट देते हो, माय नेम इज शिवी सारस्वत, थैंक यू सो मच शिवी इतना अच्छा कमेंट करने के लिए। ब्लैक 111 ने कमेंट किया, कब आएंगे सुरभि मोहक, प्लीज़ आ जाओ। कुमार दास ने कमेंट किया है, मोहू भैया थैंक यू, आप सब सलोनी दीदी के साथ क्यों नहीं बातचीत कर रहे हो, आप उनके साथ ये करिए, आप वीडियो सीरियल बनाइए। जेबा पटेल ने कमेंट किया है, हैशटैग वी वांट सोहक बैक, दीदू आप बहुत ही क्यूट हो, एंड थैंक यू दीदू होप देने के लिए, थैंक यू सो मच जेबा, आपने इतना अच्छा कमेंट किया, एंड आई विश कि हमारी होप टूटे ना एंड सोहक जल्दी मिल जाए। मुकेश शाह ने कमेंट किया है, वी मिस सोहक। सोनी शाह ने कमेंट किया, वी मिस सोहक। मारिया सुल्तान ने कमेंट किया, मिस यू सोहक। अंशुल मौर्या ने कमेंट किया, सुरभि ने मोहक के साथ के हाइलाइट्स लगाए थे पहले, अब हटा दिए हैं। आसिफ खान ने कमेंट किया, यस दीदी ये दोनों ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। शिवम सिंह राजपूत ने कमेंट किया है, सोहक कम बैक। रूबीज वॉइस ने कमेंट किया है, प्लीज़ मोहक भाई कम बैक प्लीज़, आप दोनों साथ नहीं हो तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो ही मत देखो किसी की, आई मिस यू। रामदत्त सोनी ने कमेंट किया, दी अब मुझे लगता है कि सोहक बैक करेंगे ही। बीना वर्मन ने कमेंट किया, सोहक की न्यू रील्स कब आएंगी, आई मिस यू सोहक। पूजा राजू ने कमेंट किया, दी मुझे सपना आया था कि सोहक मिल गए, तो आई विश पूजा कि आपका ये सपना सच हो जाए और असली में हमारे सोहक मिल जाए। नजरीना ने कमेंट किया, हाय दीदी, हाय नजरीना कैसी हो आप, काफी दिनों बाद कमेंट किया आपने। नेहा ठाकुर ने कमेंट किया, सोहक, एंड एक हार्ट इमोजी बनाया है। माही ने बहुत ही क्यूट सा कमेंट किया, थैंक्स दी, आई होप सोहक जल्दी जल्दी मिलेंगे, सोहक का दूर रहने का ये कोई रीजन नहीं है, ये ब्रेकअप कोई रीजन नहीं है, उन दोनों का ब्रेकअप कभी नहीं हुआ, ये मेरा सोहक का ऊपर ट्रस्ट है, प्लीज सोहक कम बैक, तुम्हारा फैंस तुम्हारा न्यू व्लॉग रील्स वीडियो के लिए वेट कर रहे हैं। इन गाइज लास्ट में मुझे आप सभी से एक बात कहनी थी, थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया एंड मुझे समझा, थैंक यू कविता देवी एंड उषा साकेत, आप लोग जब इतना अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरी वीडियो में करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड गाइज आप सभी लोग जानते हैं आई एम ऑल्सो वेरी बिग फैन ऑफ सोहक, मैं सोहक की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड गाइज जो भी न्यूज़ सही होती है सिर्फ वो ही आपको दिखाती हूँ, कभी मैंने सोहक की डिसरिस्पेक्ट नहीं की, उनको गलत नहीं कहा है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं एंड रोज मेरी वीडियोज़ देखते हैं वो सभी लोग जानते हैं, एंड जिन लोगों को लगता है कि मैंने सोहक की डिसरिस्पेक्ट की है तो उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पूरे चैनल की सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू गाइज इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, एंड गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ।